सिरोही जिले के पिंडावाड़ा तहसील के झालडोली गांव में बैठक आयोजित की गई। आयोजित बैठक में पिंडावाड़ा तहसील क्षेत्र को टीएसपी में सम्मिलित करने की मांग करते हुए नारे लगाए गए। वहीं चेतावनी देते हुए कहा कि वंचित गांवों को नहीं जोड़ा गया तो मतदान का बहिष्कार किया जाएगा। बता दें कि सरकार ने कई जिले जो जनजाति बाहुल है उन्हें टीएसपी घोषित किया है, लेकिन सिरोही जिले की पिंडावाड़ा तहसील जनजाति बाहुल्य होने के बावजूद कई ग्राम पंचायतें टीएसपी घोषित नहीं की गई है, जिसको लेकर यहां आदिवासी शिक्षित युवाओं के सामने रोजगार का संकट है और सरकारी नौकरी से वंचित है। वहीं पिंडावाड़ा क्षेत्र के युवा और नेता इसके लिए प्रयत्नशील है। क्षेत्र के रहवासियों ने पिंडावाड़ा तहसील को टीएसपी में घोषित नहीं करने पर आगामी चुनावों में मतदान के बहिष्कार की घोषणा की है। अर्थ होता है ट्राइबल शेड्यूल प्लान, अर्थात केंद्र की जो योजना है भारत के सब गांवों में जो आदिवासी बेल्ट रह गया है, जो पिछड़ापन है, जहाँ पे जहाँ समय पे बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाए, आगे नहीं आ पाए, नौकरियों में आगे नहीं आ पाए, उनके लिए केंद्र सरकार की विशेष योजना चलती है। उन योजनाओं का लाभ ट्राइबल शेड्यूल प्लान के द्वारा उन गांवों को पहुंचता है जो टीएसपी में नहीं है। उनके बच्चे अभी तक एक क्लर्क नहीं बन पाए, ग्राम सेवक नहीं बन पाए, कांस्टेबल नहीं बन पाए, टीचर नहीं बन पाए, ये कब तक भेदभाव चलेगा? ये केंद्र की योजना है, हमारे जितने नेता है वो इसमें ज़्यादा भाग नहीं ले रहे हैं। सबसे बड़ी दुविधा की बात यही है, आम आदमी तकलीफ पा रहा है और नेता इसमें गायब है। विधानसभा क्षेत्र के करीब 51 गांव टीएसपी से वंचित रह गए हैं और टीएसपी से वंचित रहने का कारण एक ही है कि हमारे जनप्रतिनिधि की जागरूकता की कमी है। हम सबको जागरूक होकर हमारे हक की मांग हमें करनी चाहिए और सभी गांव-गांव हम जाकर इस बात का अलग जगाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हम इस अभियान से बेरोजगारों को जोड़ेंगे और टीएसपी का जो हमारा हक है उसको लेकर रहेंगे। अगर टीएसपी नहीं तो इसके लिए अब लोगों का ये मानस भी बन रहा है कि इस बार वैसा मतदान का भी बहिष्कार ये कर सकते हैं। इसका अर्थ होता है ट्राइबल शेड्यूल प्लान, अर्थात केंद्र की जो योजना है भारत के सब गांव